क्या आपको अपने बैंक अकाउंट में थोड़ी एक्स्ट्रा वेल्थ चाहिए? वेल, जब आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये भ्रमित करने वाला हो सकता है, बिकॉज आप निश्चित नहीं होते हैं कि यूनिवर्स से पैसे कैसे मांगे जाएं। मैंने बहुत सारे मनी मैनिफेस्टेशन हैक्स आजमाए हैं, बट यूनिवर्स से पैसे मांगने के इन तरीकों को मैंने व्यक्तिगत रूप से सबसे इफेक्टिव पाया है। आप उनमें से किसी एक या सभी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह विश्वास करना है कि जब आपको आवश्यकता होगी तो यूनिवर्स आपको वो अपने आप प्रदान करेगा। यूनिवर्स आपको वही भेजेगा जो आप मानते हैं कि आपके पास हो सकता है। इसीलिए जब आप यूनिवर्स से पैसे मांगें तो आस्क विथ ट्रस्ट, नो विथ डाउट। मनी मैनिफेस्टेशन की कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, नो हाउ मच यू वॉन्ट एंड वाई। आप क्या चाहते हैं ये जाने बिना आप वो यूनिवर्स से नहीं मांग सकते हैं। मुझे सिर्फ इसलिए पैसा चाहिए। रियलिटी में ये आपके लिए या यूनिवर्स के लिए उतना मोटिवेटिंग भी नहीं है। एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करें और जाने कि आप इसे क्यों चाहते हैं। यूनिवर्स को इसकी परवाह नहीं है कि बिल पेमेंट करना है या नई कार खरीदनी है। आपको बस इसे चाहने की जरूरत है, और ये या कुछ बेहतर मांगना हमेशा मददगार होता है, क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स के पास इससे भी बेटर ऑप्शंस होते हैं। नंबर टू, बिलीव दैट इट्स पॉसिबल। जब आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो ये विश्वास करना इम्पॉर्टेंट है कि ये संभव है। जीवन में किसी भी अन्य चीज की तरह यदि आपको विश्वास नहीं है कि आपको कोई चीज मिल सकती है तो संभवतः आप उसे अपने आप को प्राप्त नहीं करने देंगे। यदि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स मौजूद हैं तो इन तरीकों को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको उन पर काम करना होगा। हालांकि यदि आप मानते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आसानी से आपके जीवन में आ सकता है तो यूनिवर्स ऐसा करने में मदद करेगा, क्योंकि आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज, आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सोचने के बजाय कि आप पर कितना कर्ज है या आपका बजट कितना टाइट है, ये सोचें कि पैसा आपके लिए क्या कर सकता है और जब वो पैसा आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। नंबर थ्री, लेट गो ऑफ हाउ एंड व्हेन। अधिकांश लोगों के लिए सबसे कठिन कदम यही होता है। जिन तरीकों से हम अपनी मैनिफेस्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनमें से एक ये है कि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये कैसे और कब आएगा। हम एग्जैक्टली इसकी मिनट बाय मिनट आउटलाइन चाहते हैं कि ये कहां से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। बट यूनिवर्स इस तरह से काम नहीं करता है। इसका अपना समय है और हमें शांत होकर इसे एक्सेप्ट करना होगा। सो इन तरीकों को खोजने का प्रयास करें जिनसे आप प्रतीक्षा करते समय इसका आनंद ले सकें। नंबर फोर, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटाइज। लास्ट स्टेप, बस आराम करना है। और इस वेल्थ को बनाने और प्राप्त करने के लिए यूनिवर्स द्वारा भेजे जाने वाले किसी भी अवसर के लिए ओपन रहना है। यूनिवर्स आपको आपके सपनों की नौकरी भेज सकता है, लेकिन यदि आप इनकार करेंगे तो आपको वो फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिलेगी, है ना। सो न्यू थॉट्स, कनेक्शंस और न्यू प्रपोजल्स के लिए हां कहने के लिए तैयार रहें। ओके, आइए अब समझते हैं कि यूनिवर्स से फाइनेंशियल अबंडेंस कैसे मांगे। नंबर वन, यूज अ मनी मैनिफेस्टेशन चेक। यूनिवर्स से पैसे मांगने का मेरा ऑल टाइम फेवरेट तरीका मनी मैनिफेस्टेशन चेक का उपयोग करना है। एक बार मेरे कुछ पैसे खो गए थे तो मैंने खुद के लिए एक चेक लिखा उतने ही अमाउंट का, एंड नेक्स्ट वीक मैंने करीबन 3,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। यदि आपको भरोसा है कि पैसा आएगा तो ये चेक्स काम करते हैं। पैसा हमेशा अगले दिन नहीं आता है, इसलिए धैर्य रखें और पैसा रिसीव करने के अवसरों की तलाश करते रहें। इन चेक्स का उपयोग करने के लिए वो अमाउंट लिखें जो आप चाहते हैं, एंड यस तारीख पर आज, ऐसे लिखें जैसे कि ये आपको पहले ही प्राप्त हो चुका है। नंबर टू, मेक स्पेस फॉर मनी। जब भी आप अपने लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसके लिए फिजिकल स्पेस बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि आप एक नई कार अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले आप गैराज साफ करें। जब आप यूनिवर्स से अपने लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भेजने के लिए कह रहे हो तो अपने बटुए में जगह बना लें। पुरानी रसीदें, यूज्ड गिफ्ट कार्ड्स, एक्सपायर्ड लाइब्रेरी कार्ड्स और जो कुछ भी है उसे साफ करें। भले ही आप विशेष रूप से अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हो, इसके बावजूद भी अपने बटुए को साफ करना इस बात का प्रतीक है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और सुनिश्चित करें कि आपकी बैंकिंग भी सुव्यवस्थित हो। यदि आप किसी बड़ी खरीदारी के लिए पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट हो।
नंबर 3, राइट अ लेटर टू यूनिवर्स आस्किंग फॉर मनी। अपने लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए आप जिस एक और बेस्ट टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं वो है यूनिवर्स को एक लेटर लिखकर ये बताना कि आप क्या चाहते हैं। इसे कुछ इस तरह से लिखें, डियर यूनिवर्स, मैं 20 लाख रुपीज रिसीव करना चाहता हूँ ताकि मैं किसी फेमस बीच पर एक वीकेंड वेकेशन बिताने के लिए पे कर सकूं। मैं अनुरोध करता हूँ कि ये इसमें शामिल सभी लोगों की हाईएस्ट गुड के लिए किया जाए। मैं इसे या कुछ बेटर रिसीव करने के लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू। फिर लेटर को दूर रख दें और डिजायर को जाने दें। भरोसा रखें कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसा करने के लिए काम कर रहा है। बस एक्शन करने और यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करने के तरीकों की तलाश करें। नंबर 4, विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। मींस अपने आप को उस धन को प्राप्त करते और धारण करते हुए देखना जिसे आप रिसीव करना चाहते हैं। इससे आपका वाइब्रेशन बढ़ता है और ये यूनिवर्स को बताता है कि आप उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये भी बताता है कि ये फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और पॉसिबल भी है। दिन में एक बार अपनी आंख बंद करके खुद को ये वेल्थ रिसीव करते हुए देखें। महसूस करें कि आपके पास इस धन का होना कितना जरूरी है एंड यूनिवर्स द्वारा इस वेल्थ को आप तक पहुंचाने के थॉट्स को अपने अंदर जागृत कर लें। नंबर 5, अफर्मेशन। कई बार हमारे पास डिजायर्ड वेल्थ नहीं होने का कारण ये होता है कि हमारे पास डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं जो कहती है कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट से अधिक रखने की अनुमति नहीं है। बट अफर्मेशंस आपको इन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए प्रतिदिन अपने आप से मनी अफर्मेशंस रिपीट कर सकते हैं। बट प्लीज रिमेम्बर कि अफर्मेशंस में समय लगता है, वो एक पूर्व उपकरण नहीं है। इनका प्रयोग कम से कम 30 दिन तक करें। तो अब जब आप जानते हैं कि यूनिवर्स से पैसे कैसे मांगे जाते हैं तो आपका अगला कदम इसे अभ्यास में लाना है। सो मेक योर रिक्वेस्ट एंड बिलीव इट कि पैसा आ रहा है। और जब आप खुद को वेल्थ रिसीव करने की स्थिति में डालते हैं तो जस्ट रिलैक्स एंड सी द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।